एक इंटरव्यू में सलमान के बारे में लारा दत्ता ने बताया वह अभी भी आधी रात के बाद भी कॉल करते हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि सलमान अभी भी रात को 12 बजे उठता है और वह जब भी उठते हैं तभी कॉल कर देते हैं। एक्ट्रेस के अनुसार जब लोग सोने के लिए जाते हैं तब सलमान खान जग जाते हैं। एक्ट्रेस के इस खुलासे से यह अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों की बॉन्डिंग कितनी स्पेशल होगी, जिसमें लेट नाइट कॉल और बीजी जैसे कोई शब्द नहीं है। सलमान और लारा ने पार्टनर और नो एंट्री जैसे कुछ अनहिट फिल्मों में साथ काम किया है। वहीं अक्षय कुमार को लेकर लारा ने कहा वह अभी भी सुबह जल्दी उठ जाया करते हैं, इससे पहले कि कोई और उनके जीवन में उठे। एक्टर अपने स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करते हैं, इसलिए अच्छा जल्दी उठ जाते हैं। लारा दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अंदाज से की थी, जिसमें अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा भी एक्ट्रेस के अपोजिट नजर आए थे। इसके अलावा अक्षय और लारा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। संजय दत्त के बारे में बात करते हुए लारा ने कहा वह बहुत शर्मीले और रिजर्व इंसान है। दोनों ने 2006 की फिल्म जिंदा में साथ काम किया है। वर्क फ्रेंड की बात करें तो लारा की आखिरी बड़ी स्क्रीन फिल्म बेल बॉटम थी, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई थी। हाल ही में उनकी G5 पर कौन बनेगा शिखरवती आई थी। इससे पहले उनकी दो OTT सीरीज हिचकी और हुकअप और 100 आ चुकी है। कौन बनेगा शिखरवती में लारा ने सोहा अली खान, कृतिका कामरा और आन्या सिंह के साथ एक सनकी राजा नसरुद्दीन शाह की चार बेटियों में से एक की भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।